नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे USB 3.0 जो होता है, वो उसका जो सर्किट होता है USB 3.0 मदरबोर्ड में, लैपटॉप मदरबोर्ड में, तो वो किस तरह से उसका सर्किट होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो USB 2.0 है मैं उससे स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि USB 2.0 और 3.0 में डिफरेंस क्या है और वो वर्क कैसे होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये एक पिन डायग्राम है। देखो ये सॉकेट है, ये सॉकेट है USB का। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो एक नंबर पिन है वो VCC है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, उसके बाद ये सिग्नल होता है डी माइनस और डी प्लस, डेटा माइनस और डेटा प्लस, ये क्या होता है, ये सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, और आखिर में जो 4 नंबर पिन होता है वो क्या होता है, ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब हम यहाँ पे जैसे कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, तो उस पेन ड्राइव के लिए सप्लाई मिलता है एक नंबर पिन और 4 नंबर पिन से, मतलब ये एक नंबर पिन से सप्लाई मिलता है। ठीक है, और जो 2 नंबर और 3 नंबर पिन से हमारा डेटा जो होता है वो सेंड रिसीव यहाँ से होता है। ठीक है, लेकिन जब हम 2.0 में काम करते हैं तो 2.0 में आपका डेटा जो है, एक तो हम कॉपिंग करेंगे मतलब पेन ड्राइव से लैपटॉप में, या लैपटॉप से पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में। ठीक है, तो वो एक बार मतलब जैसे पेन ड्राइव से कॉपिंग करते हैं हम लैपटॉप में, तो वो मतलब एक रेगुलर प्रोसेस से वो कॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप सेम टाइम लैपटॉप से फिर से पेन ड्राइव में कॉपी करते हो, तो वो चीज़ उसमें वो बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत ही स्लो स्पीड हो जाता है उसका। ठीक है, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता, बहुत टाइम लगता है उसको, कभी कभी हैंग भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2.0 वर्क करता है। उसके बाद ये होता है उसका पिन आउट, मतलब जहाँ जब हम कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर कोई भी डिवाइस लगाते हैं पेन USB वाला, तो यहाँ पे इसका जो होता है ये केबल है एक USB का। ठीक है, यूँ समझ लो कि ये माउस का केबल है, या फिर प्रिंटर का केबल है, या फिर कोई भी डिवाइस का USB केबल है। तो जो रेड वायर यहाँ पे लगा हुआ होता है वो 5 वोल्ट के लिए, यहाँ से उसे सप्लाई मिलता है, और ये इसका डेटा प्लस और डेटा माइनस, और जो ब्लैक आखिरी होता है वो उसका ग्राउंड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये USB 2.0 है और इसका रिवॉल्यूशन कैसे हुआ है, आज इसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए USB 2.0 ये इसका जो डेटा ट्रांसफ़र जो रेट है वो है 480 Mbps। ठीक है, और प्रैक्टिकली इसका जो स्पीड होता है वो अप टू 35 to 40 Mbps स्पीड होता है। ठीक है, उसके बाद जो रिसेंटली आया था वो USB 3.0, और इसका जो जो इसे कहा जाता है कि सुपर स्पीड, और USB 2.0 को हाई स्पीड। ठीक है, जो सुपर स्पीड है इसका, थ्योरेटिकली इसका जो होता है वो 5 Gbps। ठीक है, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा, ठीक है, इससे 10 गुना ज़्यादा इसका स्पीड होता है। ठीक है, 5 Gbps, और प्रैक्टिकली इसका कितना होता है, 300 Mbps, इतना इसका स्पीड होता है। ठीक है, उसके बाद USB 3.0 जो है के बाद USB 3.1, और इसे जनरेशन 1 कहा गया, ये फॉर्मरली नॉन एज अ 3.0, इसे 3.0 ही कहा जाता है, लेकिन ये 3.1 इसे कहते हैं, और इसका जो स्पीड होता है वो 5 Gbps, यानी 5 Gbps ही होता है, और प्रैक्टिकली इसका जो स्पीड होता है वो 300 Mbps। ठीक है,
और उसके बाद 3.1 जो सेकेंड जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन यूएसबी स्पेसिफिकेशन सुपर स्पीड यूएसबी कहलाता है, और इसे थियोरेटिकली स्पीड जो है इसका 10 Gbps है, और इसका जो प्रैक्टिकली 1.2 Gbps इसका स्पीड होता है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड होता है ये 3.1 सेकेंड जनरेशन वाला। ठीक है, उसके बाद जो 3.0 है ये 3.0 का पिन आउट है, ये 3.0 जो यूएसबी पोर्ट है उसका सॉकेट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका पिन से जो देखो ऊपर वाला जो है ये चारों पिन्स ये होती है आपके यूएसबी 2.0 के लिए, और नीचे वाला जो है ये होती है आपका 3.0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये कॉम्बो पोर्ट है, यहाँ पे आप 2.0 पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, और मतलब जो 1.0 वो भी लगा सकते हैं, 2.0 वो भी लगा सकते हैं, उसके बाद जो 3.0 है वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ग्राउंड है, सेकंड डेटा प्लस, डेटा माइनस, थर्ड पिन और फोर्थ पिन ये जो है वो पावर होता है 5 वोल्ट DC सप्लाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये रिसीव सिग्नल है, ये रिसीव सिग्नल है यहाँ पे माइनस प्लस, और ट्रांसमिट सिग्नल है प्लस माइनस। ठीक है, और ये होता है आपका बीच वाला ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से ये पिन इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद देखिए, अब ये तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि कैसे वो मतलब ये ट्रांसमिट और रिसीव, इसमें इससे आपको समझ में आया कि डेटा यहाँ से ट्रांसमिट और रिसीव होता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ऊपर वाला जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड डेटा, ये यूएसबी 2.0 के लिए, और नीचे का देखिए यहाँ पे जब हम स्कैमेटिक डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सिग्नल जो होती है ये ऐसे दिखाई देगा आपको, SSRX SSRX, ठीक है, और SSTX SSTX। ठीक है, और ये ग्राउंड या फिर इसे ड्रेन कहा जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं, ये है इसका पिन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे पिन डिस्क्रिप्शन में देखिए, वी बस यानी ये पावर प्रोवाइड करता है, उसके बाद डी माइनस डी प्लस ये यूएसबी 2.0 का पेयर है डाटा सेंड रिसीव के लिए, उसके बाद जो फोर्थ कनेक्शन है वो है ग्राउंड, उसके बाद 5 और 6 कनेक्शन जो है वो सुपर स्पीड ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट होता है यहाँ से, उसके बाद 7 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड है, और 8 और 9 जो पिन होता है वो सुपर स्पीड डेटा रिसीव के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद देखिए ये एक 2.0 का यूएसबी 2.0 का एक पिन, यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा स्कैमेटिक दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर पिन यहाँ पे है, और देख सकते हो आप ये जो 4 नंबर पिन है वो 5 वोल्ट यहाँ से इन होता है यहाँ पे इस कनेक्टर के लिए, 2 और 3 नंबर जो पिन है वो जाता है आपके ICH के लिए। ठीक है, और ये बीच में लगा हुआ है इसे चिप मोड कॉमन फिल्टर। ठीक है, तो ये फिल्टर करता है आपके इन सिग्नल्स के लिए, सिग्नल्स को, और जो 1 नंबर पिन वो ग्राउंड होता है। ठीक है, और ये जो कनेक्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं USB PN2 PN PP2, ये गए, ये कहाँ पे गए हैं, ये गए आपके ICH के लिए, और यहाँ पे जो 5 वोल्ट सप्लाई इन हुआ है इस कनेक्टर के लिए, ये 5 वोल्ट सप्लाई आता है यहाँ से, और ये सर्किट है इस सप्लाई के लिए। ये एक छोटा सा IC होता है, या फिर हम इसे एक चिप कहते हैं, ये IC है, ये 5 वोल्ट यहाँ पे, या फिर इसे हम मॉस्फेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्विच करता है पावर सप्लाई इस USB कनेक्टर के लिए। ठीक है, ओके, जैसे कि मैंने चिप कॉमन जो फिल्टर बताया आपको, ये फिल्टर इस तरह के फिल्टर्स होते हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, तो एक सर्किट है USB 3.0 का जो आपको मदरबोर्ड में दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये जो है USB 3.0 कनेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पिन्स है इसकी, इस कनेक्टर की। ठीक है, इसका 1 नंबर जो पिन होता है वो इसका वी बस होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसे
होल्ट इन होता है यहाँ से, ठीक है, इस कनेक्टर के लिए। उसके बाद ये डेटा माइनस डेटा प्लस, ये यूएसबी 2.0 का डेटा कनेक्शन होता है ये 2.0 के लिए, ठीक है। उसके बाद ये चार नंबर पिन जो वो ग्राउंड है, उसके बाद पाँच नंबर और छः नंबर पिन जो है ये SSRX माइनस और SSRX प्लस, ठीक है, यानी ये डेटा रिसीव के लिए, डेटा रिसीव सिग्नल्स होते हैं यहाँ पे। और उसके सात नंबर जो है वे ग्राउंड, उसके बाद ये आठ और नौ नंबर पिन जो है वो डेटा ट्रांसमिट SSTX यानी ये ट्रांसमिट के लिए माइनस और प्लस सिग्नल्स होते हैं ये, यानी ये सिग्नल जो होते हैं RX SSRX माइनस और प्लस ये आते हैं PCH और ICH की तरफ से इस कनेक्टर के लिए। और ये जो होते SSTX प्लस माइनस ये जो सिग्नल्स होते हैं ये जाते हैं आपके PCH और ICH के लिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दो चिप है, एक तो है आपका सुपर आयो चिप और नीचे है आपका PCH और ICH। यहाँ पे मैंने PCH और ICH क्यों कहा, क्योंकि जो मदरबोर्ड्स होते हैं अभी जो जो पुराने मदरबोर्ड्स है तो वहाँ पे आपका ICH से ये कनेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और अगर नया मदरबोर्ड है तो वहाँ पे आपका PCH दिखाई देगा, ठीक है। तो PCH से इसका कनेक्शन रहेगा, ठीक है। और ये SIO और PCH का इंटरफेसिंग होता है यहाँ पे मैंने दिखाया है, और कैसे ये सर्किट वर्क करता है तो देखिए, यहाँ पे जब हम कोई भी USB 2.0 जो डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, 2.0 मतलब कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं 2.0 या 3.0 का, ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्नल जाता है PCH और ICH के लिए, तो ये सिग्नल जब इससे मिलता है तो PCH क्या करता है, एक सिग्नल मिलता है भेजता है SIO के लिए, और SIO सिग्नल भेजता है USB पावर ऑन सिग्नल इस पावर चिप के लिए। ये चिप क्या करता है, यहाँ से 5 वोल्ट जो है सप्लाई यहाँ पे भेजता है आपके इस कनेक्टर के लिए, ठीक है। मतलब इस तरह से ये सिग्नल पहले PCH के लिए जाता है, उसके बाद SIO के लिए, SIO ये पावर ऑन सिग्नल भेजता है, फिर ये चिप एक्टिव होता है, और यहाँ से ये पावर ऑन जो 5 वोल्ट सप्लाई जो होता है ये जाता है आपके इस कनेक्टर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 3.0 जो सर्किट है वो वर्क होता है, ठीक है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे एक दो ये तीन ये जो है ये फिल्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, चिप कॉमन मोड फिल्टर होते हैं, ये फिल्टर करते हैं आपके जो सिग्नल्स यहाँ से सेंड रिसीव होते रहते हैं, और ये जाते हैं आपके PCH और ICH के लिए, ये क्या करते रहते हैं, ये फिल्टर करते रहते हैं आपके सिग्नल्स के लिए, ताकि आपका जो डेटा है वो सुपर मतलब फास्टली आपका कॉपिंग हो या फिर पेस्ट हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये USB 3.0 सर्किट वर्क करता है, ठीक है। देखेंगे कि ये जो सर्किट हमने जो देखा तो इस सर्किट को हम आज अभी स्कैमेटिक में देखने वाले हैं, वो कैसे आपको दिखाई देगा, ठीक है, और कैसे इसका जो इंटरफेसिंग मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है वो स्कैमेटिक में कैसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलो फिर ओके, तो आपके सामने ये 3.0 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये कनेक्टर है, ये वाला एक कनेक्टर है और नीचे वाला ये दूसरा कनेक्टर है, ठीक है। और ये इसका एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर यहाँ से नौ तक ये पिन है, ये वी बस आपका डी प्लस डी माइनस ग्राउंड SSRX माइनस SRX प्लस ग्राउंड SSTX माइनस और SSTX प्लस, ठीक है। और ये सिग्नल आप देख रहे हो यहाँ से, देखो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट एक नंबर पिन पे आपका 5 वोल्ट इन हो रहा है, ठीक है, 5 वोल्ट क्या हो रहा है यहाँ पे इन हो रहा है इसे एक नंबर बस के लिए, एक नंबर पिन के लिए। उसके बाद दो नंबर है 2.0 का डेटा ट्रांसफर रिसीव के लिए, डी प्लस डी माइनस डी प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एक ये फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये सिग्नलिंग होता फिल्टरिंग होता है इस सिग्नल का, और ये जाता है आपके PCH के लिए या फिर ICH के लिए। चलो फिर देखते हैं ये कहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है ओके। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेश कर लेता हूँ ताकि हमें वो अच्छे से मतलब तुरंत हम उस पेज पर जा सके जहाँ पे ये सिग्नल इन हुआ है,
तो ये क्या है आपका, देख सकते हो ये आपका पीसीएच है, पीसीएच है ये, और यहाँ पे यूएसबी P0-P0+, यहाँ पे आपका ये सिग्नल आपका इन हुआ है, ठीक है आप देख सकते हो, ठीक है यहाँ पे इन हुआ है, और नीचे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए पीसीएच, ठीक है तो ये पीसीएच के लिए सिग्नल्स यहाँ पे इन हुए हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और वापस से हम उसी पेज पे चले जाते हैं, ओके यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस से। तो ये 2.0 का कनेक्शन हो गया, उसके बाद ये SSRX जो है 3.0 का कनेक्शन, ठीक है ये SSRX जो है 3.0 का कनेक्शन है ये, तो वो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर भी एक इन्होंने एक फिल्टर लगाया हुआ है ये, और ये देखिए ये कनेक्शन जो है, चलो देखते हैं ये कहाँ पे जाता है, ठीक है ये भी आपका जाएगा पीसीएच के लिए, ठीक है देख सकते हो आप, ये भी देखिए USB 3.0 यहाँ पे इन हुआ है, और USB 3.0 के लिए जो है वो यहाँ पे इन हुआ है, ठीक है ये देख सकते हो आप, ये सारे USB 3.0 का ये आपका ये सेक्शन है यहाँ पे इस PCH में, ठीक है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये USB 3.0 RX-1-1-2 और ये +1-2, ठीक है और TX-1-2 और TX प्लस यहाँ पे 1-2 है, ठीक है। ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये USB TX1 RX1 मतलब -+1 जहाँ पे मैंने आपको PCH में गया दिखाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका सप्लाई है वो कैसे, देखो यहाँ पे ये तो जाता है आपके अलवेज सेक्शन से, यहाँ पे आता है ये सप्लाई, ठीक है अलवेज सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो अलवेज सेक्शन है, वहीं से ये 5 वोल्ट कनेक्शन इस चिप के लिए आता है, और जब ये पावर ऑन सिग्नल, देखिए यहाँ पे ये पावर ऑन सिग्नल है इस चिप के लिए, जब ये आता है चलो देखते हैं हम कहाँ से आता है, देखिए ये आप जो एरो है ये इन हुआ है इस चिप के लिए, तो ये कहाँ से आया है इसके बारे में हम देखते हैं। ओके देखिए ये यहाँ पे ये निकल गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे ये कनेक्शन निकला है, यहाँ से आउट हुआ है, और ये कौन सा चिप है, ये है आपका सुपर आयो चिप, ठीक है ये क्या है आपका सुपर आयो चिप है, ये देखिए ये क्या है ईसी, ईसी यानी एम्बेडेड कंट्रोलर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया, ठीक है तो ये सिग्नल पीसीएच के लिए जाते हैं, जो डाटा सिग्नल्स होते हैं वे पीसीएच के लिए जाते हैं, और पीसीएच तभी यूएसबी पावर ऑन सिग्नल भेजता है इस चिप के लिए, पावर चिप के लिए, और ये पावर चिप आपको 5 वोल्ट सप्लाई देता है यूएसबी कनेक्टर के लिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं वो मिलते रहिए, मिलते रहे, देखते रहिए हिट शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।